अयोन वैली से जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, नीचे आपको अयोन वैली नज़र आ रही होगी। अयोन वैली पास करने के बाद वादी कैलाश का सफ़र जारी हो जाता है और ये आपके सामने है। ठीक है ना, तो ये रास्ता है जी बाबू रेत जाने का। रोड कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत, साइकिल पे तो बिल्कुल ख़राब, देख सकते हैं आप। नीचे भी जा रही है और नीचे चश्मे भी आना शुरू हो गए हैं, दरिया खूबसूरत, ऊपर बिल्कुल पहाड़। अभी रोड कंडीशन इतनी ख़राब के बताया नहीं जा सकता। रुके हैं पानी के लिए और ये तेज़ नहर जा रही है पास में, बेहतरीन व्यू पीछे, खूबसूरत ट्रैक, बहुत कच्चा ट्रैक। चेक करें और फिर पानी का शोर। ये है हमारे पास दरिया है, काफ्रिस्तान बोलते हैं इसको, क्योंकि वह बम्बुरेत से आता है। पर बिजली लोगों की अपनी है, ये अभी पावर स्टेशन लगा हुआ है पानी को यूज़ करके। बहुत ही मुश्किल ट्रैक, नीचे खाई नदी, ये पावर स्टेशन, बम्बो रेत की तरफ रास्ता। ये जो रास्ता था, हम ये भी आए हैं सामने आबशार। दरिया बम्बो रेत से आ रहा है, इसे काफ्रिस्तान भी बोलते हैं यहाँ के लोग। बम्बो रेत जाते हुए और ये नीचे बहुत ही प्यारा दरिया,